स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल आर्या स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं MCQ क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। इसमें पूछा गया है शॉर्टकट की फुल स्क्रीन की। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया। तो डिजी लॉकर को 1 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पर। डिजी लॉकर के लिए क्या आवश्यक है। तो हम जानते हैं डिजी लॉकर को हम आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4, यूजर नेम व डोमेन नेम में निम्न में से क्या दर्शाता है। यूजर नेम और डोमेन नेम क्या दर्शाता है, तो हम आपको बताएं। यूजर नेम हमें ईमेल एड्रेस दर्शाता है। तो हमारे को क्वेश्चन 4th आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन की पहचान के लिए काम में आता है। ऑप्शन लिंक, वेब एड्रेस, वेबसाइट, वेब ब्राउजर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वेब एड्रेस से हम वेब पेज विशिष्ट की लोकेशन जांचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेबसाइट किसका संग्रह होता है। वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ईमेल में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ईमेल में SMTP का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है। तो शैक्षणिक संस्थान को दर्शाने के लिए हम जानते हैं एडुकेशन हमारा शैक्षणिक संस्थान को दर्शाता है। तो आंसर नंबर 3। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पैम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पैम क्या है। स्पैम एक जंक मेल है। तो हमारा आंसर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी ईमेल एड्रेस को कितने भाग होते हैं। तो हम जानते हैं कि ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, पहला यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम। तो हमारा आंसर नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, OCR को क्या कहते हैं। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, 2 में से कोई भी लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 1 जो करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, UTR का फुल फॉर्म क्या होता है। UTR का फुल फॉर्म हमारा पहला आंसर यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 13, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो हमारा 1 आंसर इज अ करेक्ट। 14, क्वेश्चन नंबर, वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन की पहचान के लिए काम में आता है। वेब पेज कि विशिष्ट लोकेशन की पहचान के लिए काम में आता। तो हमें पता हमारा ये क्वेश्चन निकल चुका है एक बार।
इसका आंसर है वेब एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 15, वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है, अभी हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है? तो आंसर नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर नंबर दूसरा इज अ करेक्ट आंसर, पोर्ट। इथरनेट में निम्न में से किससे संबंधित है? इथरनेट निम्न में से किससे संबंधित है? लैन, मैन, बैन, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा लैन, इथरनेट लैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, जावा भाषा का आविष्कार किसने किया? जावा भाषा का आविष्कार सन माइक्रोसिस्टम ने किया। तो हमारा आंसर नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लाइनेक्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर, लाइनेक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। 21, पेटीएम के संस्थापक कौन है? पेटीएम के संस्थापक ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर, विजय शेखर शर्मा हमारे पेटीएम के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लिंक्डइन किसके द्वारा बनाया गया? लिंक्डइन को रेड हॉफमैन द्वारा बनाया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? राइटर का एक्सटेंशन .odt होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, रूलर की शॉर्टकट की क्या है? रूलर की शॉर्टकट की ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर है। क्वेश्चन नंबर 26, डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं? डेबिट कार्ड पर 16 डिजिट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, RDS का फुल फॉर्म होता है? RDS का फुल फॉर्म रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, चीन का सर्च इंजन क्या है? चीन का सर्च इंजन बेडू है, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ट्विटर में अधिकतम कितने सब पोस्ट कर सकते हैं? ट्विटर में अधिकतम 280 कैरेक्टर हम पोस्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, विंडो 10 लॉन्च किया गया, विंडो 10 कब लॉन्च किया गया? तो विंडो 10 2015 में लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन है .odp। कुछ ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, RTGS से पैसे भेजने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी है? तो हम लोग जानते हैं कि RTGS में कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, जीमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? जीमेल में पहले 10 GB का स्टोरेज आता था और अब जीमेल ने इसे बढ़ाकर 15 GB कर दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भीम ऐप में ट्रांजैक्शन लिमिट प्रतिदिन क्या है? भीम ऐप में ट्रांजैक्शन लिमिट 40,000 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, IFSC स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, लाइनेक्स है, लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, QR का पूरा नाम क्या है? तो QR का पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, तो कोई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, फेसबुक का मालिक कौन है? फेसबुक का मालिक मार्क जुबरबर्ग हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, NEFT की स्थापना कब हुई थी? NEFT की स्थापना 2005 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, ऑटो टैक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? ऑटो टैक्स के लिए शॉर्टकट की का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+F3 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम 256 सदस्य हो सकते हैं, तो हमारा आंसर दूसरा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार की शॉर्टकट की होती है F2, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हमारा 2 तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, ASCII का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, वेबसाइट किसका संग्रह है? वेबसाइट वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, परम और सिद्धार्थ कंप्यूटर किस देश में बने हैं? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 50, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर।